नमस्कार, मैं हूं अमृता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ में रोड सेफ्टी कार्यक्रम के तहत चेतक फाउंडेशन द्वारा एसडीएम कार्यालय में दुपहिया वाहन चालकों को हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के द्वारा हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर एसडीएम त्रिलोकचंद और चेतक फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री का स्वागत किया और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों से हेलमेट पहनकर ही दुपहिया वाहन चलाने के लिए अपील की और कहा कि हेलमेट हमारे लंबे जीवन का साथी है। नहीं, सुरक्षा जो रोड सेफ्टी जो सुरक्षा है वो मेरे पर महकमा है, दायित्व है। और ये अपने चेतना फाउंडेशन है, चेतना फाउंडेशन तो अपने बड़ी ट्रांसपोर्ट है, उसके तहत ये आज हमने महिला जेंट्स वितरण किए हैं और जिससे लोगों की जान, बिना हेलमेट के लोगों की जान गंवानी पड़ी। और लोग क्या है कि समझते हैं हेलमेट चालान कट है, ये सबसे पहले हमारी जीवन रेखा है, जीवन बचाने काम करता है। इसलिए हमने बल्लभगढ़ शहर की शुरुआत की, बल्लभगढ़ के लोगों को, महिलाओं को, जेंट्स को, नौजवान साथियों को लाभ मिले। और इस तरह से हमने सभी से अपील की है जो भी शहर में CSR के तहत कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेलमेट दें, सुरक्षा के जहाँ ब्लैक स्पॉट है उन्हें भी खत्म करने का काम करें। मंत्री जी, इस टाइम जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का दौर जो है वो चरम पर है, लगातार मामले जो है वो फरीदाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के आज क्या कुछ जायजा लिया जा रहा है? केंद्र की डोज भी लगनी है आज, केंद्र की तरफ से, प्रदेश तरफ से डायरेक्शन है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, जो केंद्र और प्रदेश की गाइडलाइन उस पर काम करें। हमें सुरक्षित भी रहना है, जान बचा के भी रखनी है, काम भी करने हैं, ये भी नहीं काम बंद करके भीतर बैठ जाए, काम को भी करना है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और बीमारी को भगाना है। और केंद्र प्रदेश गाइडलाइन पर जो बूस्ट जो वैक्सीन लगनी है उसकी भी शुरुआत होने वाली है, इसका लोगों को लाभ मिलेगा, इससे दूरी बना। आने वाले समय में कुछ और शक्तियाँ देखने को मिलेंगी हरियाणा के अंदर? देश के 135 करोड़ लोग समझदार हैं कि किस तरह हमें अपने देश में बचना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या सुरक्षा में, वो सबकी जानकारी सब। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पलवल के नागरिक अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम, डॉक्टर लोकवीर सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाई और उप सिविल सर्जन डॉक्टर अजय माम ने बूस्टर डोज लगवाने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का फैसला लिया है। देखने में आया है कि COVID-19 का पहला व दूसरा टीका लेने के कुछ समय बाद एंटीबॉडीज कमजोर होने लगती हैं। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए लोगों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। बूस्टर डोज लगवाने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हेल्थ वर्कर, केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय योगेश ने बताया कि सरकार ने यह तय किया है कि हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए। सरकार के दिशा निर्देशानुसार पलवल जिले के नागरिक अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। देखिए, बूस्टर डोज का अभी गवर्नमेंट ने फैसला इसलिए किया है कि ये सोचने में, ये देखने में आ रहा है कि शायद जो एंटीबॉडीज हमें पहले वैक्सीनेशन से बनी थी उनका काउंट धीरे धीरे कम होता है, तो क्योंकि अभी अब थर्ड वेव का कुछ अभी अंदेशा है, तो इसलिए इम्यूनिटी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है और जो एट रिस्क पॉपुलेशन है हमारी, जो 60 से ऊपर जिनको साथ में कुछ और बीमारियां हैं, ताकि उनको बचाया जा सके, इसलिए ये बूस्टर डोज लगाने का फैसला सरकार ने लिया है। आपने भी लगाई है तो? बिल्कुल, अभी हमने पहली बार भी जो पहले दिन ही लगवाई थी, कोई शक नहीं था कभी भी हमारे दिमाग में, और आज भी जब से ड्यू हो गई हमने आज अपना बूस्टर डोज लगवा लिया। लोगों से क्या अपील? लोगों से हमने शुरू हमेशा यही अपील की है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, वैक्सीन काफ़ी टेस्टों के बाद ही मार्केट में लाई जाती है। इस बार थोड़ा इमरजेंसी थी सिचुएशन, इसलिए जितना लंबा टेस्ट पहले होते थे वो नहीं थे, लेकिन ऐसा इंश्योर किया गया कि जितना भी टेस्ट हुए उससे ये स्पष्ट हो गया कि कोई नुकसान इससे नहीं होना है, तो इसलिए वैक्सीन अब जो आई थी उसमें कोई रिस्क फैक्टर कोई नहीं था
और ये बूस्टर डोज लगाना अब इसलिए ज़रूरी बन गया क्योंकि अभी नई नई स्ट्रेन आ रही हैं और साथ में लोगों की अगर इम्यूनिटी किसी की कुछ कम हो रही हो तो वो उसको बराबर लेवल पे लाने के लिए। चल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पलवल एसपी की कार बिहार के अरवल जिले में शराब तस्करी करती हुई पकड़ी गई थी, जिसके बाद पलवल एसपी गाड़ी मामले में जिला पुलिस ने प्रेस वार्ता का स्पष्टीकरण दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने बताया कि शराब तस्करी में पकड़ी गई गाड़ी को पुलिस ने 3 साल पहले नीलामी के दौरान बेच दिया था। खरीदार ने गाड़ी को अपने नाम नहीं करवाया और गाड़ी को किसी और व्यक्ति को बेच दिया। नीलामी की कार्यवाही उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से की जाती है, इसलिए पुलिस विभाग का इस कार से कोई संबंध नहीं है। बिहार के अरवल जिले में शराब तस्करी में पकड़ी गई पलवल एसपी की कार को बाद में पलवल पुलिस हरकत में आई जब पता चला कि उनकी गाड़ी शराब की तस्करी में लगी हुई है। डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि शराब तस्करी से पहले पुलिस का कोई संबंध नहीं है, जो कि गाड़ी शराब तस्करी करते हुए बिहार के अरवल जिले में पकड़ी गई है। उस गाड़ी को 3 साल पहले 20 फरवरी 2019 को नीलाम कर दिया गया। बिना गाड़ी को नाम करवाए चलाना कानूनी अपराध है, जिसके चलते खरीदार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि एसपी के नाम पर गाड़ी का पंजीकरण होने के चलते पिछले 3 साल शराब तस्करी बड़ी आसानी से शराब तस्करी का ये कार्य चलता रहा और गाड़ी बेधड़क शराब की तस्करी करती रही। हालांकि मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जैसा कि आपको मालूम है, ये HR 30K 0111 ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पहले एसपी साहब पलवल के नाम से रजिस्टर थी और इस गाड़ी को 20/2/2019 को सरकारी ऑक्शन हुई थी। उस टाइम इसको अमित सिंह सनो प्रेम सिंह, जो हांसी का निवासी है, उसने सबसे ऊंची बोली देकर इसको खरीद किया था और 13/3/19 को उसको हैंडओवर किया था। उसके बाद में पुलिस विभाग से इस गाड़ी का कोई संबंध नहीं रहा है। जब वो 3 साल से मिसयूज कर रहा था इस गाड़ी को, जो नाम नहीं उतरवाया इसने अभी तक, इसके बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उसके खिलाफ जरूर करेंगे। अगली खबर की और अब खबरों में बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि आपको बारिश से तो राहत मिल गई है, लेकिन कड़ाके की ठंड अब पड़ना अभी बाकी है। प्रदेश में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश से मंगलवार से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौसम के साफ होते ही कड़ाके की सर्दी का दौर भी शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 13 और 14 जनवरी को शीतलहर का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान घना कोहरा भी छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। रविवार को भी प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। गेहूं को छोड़कर सभी फसलों व सब्जियों को ये बारिश नुकसान पहुंचाएगी। तेज हवा और बारिश से सरसों की फसल खेतों में बिछ गई है। पंचकुला जिले में 100 से ज्यादा गांव में आलू और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। प्रदेश में पंचकुला में दिन का तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं फतेहाबाद में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण प्रदेश में के सभी स्कूल और कॉलेज 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूल में पहले से 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश चल रहा है और हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर के चलते संक्रमण के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मात्र 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है। 31 दिसंबर को ये दर 1.17% थी, जो अब बढ़कर 10.64% हो गई है। कुल संक्रमण दर 5.31% पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे तो आने वाले दिनों में केसों के साथ साथ संक्रमण दर और भी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि नो मास्क नो सर्विस को अपनाएं, ताकि कोरोना महामारी को हराया जा सके। ट्वीट कर उन्होंने प्रदेशवासियों से कहा कि कोरोना को हराने के लिए हम सभी को कोविड नियमों प्रोटोकॉल का निर्वहन करना होगा। रंजीत सिंह चौटाला ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेलों में बंदियों को और उनके परिजनों की रेगुलर मुलाकात बंद कर दी गई है। जेल स्टाफ को भी कम से कम बाहर निकलने के निर्देश दिए गए हैं। नए कैदियों को क्वारंटाइन पीरियड करने के लिए रखा जाएगा।
चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को और 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद देश में एहतियाती खुराक लगना शुरू हो गई है, यानी कि बूस्टर डोज अब लगनी शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर डोज के रूप में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 25 दिसंबर को ही एहतियात खुराक को लेकर ऐलान कर दिया था। ये तीसरी खुराक फिलहाल हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को ही दी जाएगी। देश में फिलहाल हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर या वरिष्ठ नागरिक जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें ही एहतियात खुराक के बूस्टर डोज लगेगी। गंभीर बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिक अपने डॉक्टर की सलाह पर ही एहतियाती खुराक को ले सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि एहतियाती खुराक के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुराने पंजीकरण के आधार पर ही उन्हें कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। एहतियाती खुराक के लिए कोविन ऐप पर बदलाव किया गया है और ऐप पर तीसरी डोज को लेकर फीचर जोड़ दिया गया है। ऐसे में आप सीधे इस फीचर के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी तीसरी खुराक लगवा सकते हैं। यहाँ भी आपको नया पंजीकरण कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों को स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत तैयार हो गई है। इस मामले को वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने अदालत से कहा कि सत्यमेव जयते की जगह अब सशस्त्रमेव जयते की बात हो रही है। FIR दर्ज हुई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं चीफ जस्टिस NV रमना ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने से बवाल मच गया। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की जरूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री ना बने। वक्ता ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM News के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।